जनजातीय समाज के ऐसे लोग जो अपना स्वधर्म छोड़कर दूसरे धर्म हो गए हैं और जनजातीय समाज का आरक्षण का प्रशासनिक व राजनीतिक दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनका आरक्षण समाप्त हो। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 341 में निहित कणिकाओं के प्रावधानों में स्पष्ट है कि जो अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपराएं छोड़ देता है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद 342 में संशोधन कर धर्मांतरित जनजाति का आरक्षण समाप्त किया जाए। इस विषय को लेकर सभी प्रतिनिधियों निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा एवं निर्णय लिया गया है कि सभी तहसील केंद्रों पर तहसील निर्वाचन अधिकारी एवं तहसील स्तर के जनप्रतिनिधि सभी दलों के एवं मंडल स्तर के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। ऐसे धर्म परिवर्तन के लोगों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी भी धर्मांतरित व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। ऐसे व्यक्ति के उम्मीदवार का फॉर्म निरस्त किया जाए, अन्यथा सभी जनजातीय समाज द्वारा विरोध किया जाएगा। ज्ञापन का वाचन जनजातीय सुरक्षा मंच तहसील सह संयोजक गणपत गोखले द्वारा किया गया। ज्ञापन में सम्मिलित कार्यकर्ता खरगोन से सामाजिक कार्यकर्ता मेहताब सिंह बर्डे, पीरू कनोजे, गणपत गोखले, रेखाबाई कनाजे, शांतिलाल चौहान, सुभाष कनोजे, गोरेलाल डावर, नंदराम डावर, शिवराम किराड़े, रेवाराम बास्कले, गुलाब भाई, राम सिंह बामड़े, भावलाल चौहान, अमर सिंह मुजालदे, दिलीप मंडलोई आदि उपस्थित थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर माननीय तहसीलदार महोदय को आज ज्ञापन दिया है जनजाति समाज की ओर से। जो आगामी चुनावों में धर्मांतरित व्यक्ति लोग जो है कन्वर्टेड लोग त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लेते हैं तो उनका नामांकन निरस्त किया जाए, इस बात को लेकर आज माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है जनजाति समाज की ओर से। सेगांव से जय गुप्ता की ये रिपोर्ट।